जिसमें जो लड़की होती है उसको लेके भागना होता है और वहाँ भागने में रहती है उनकी भाभी। यहाँ देखिए जैसे जिया उनको लेकर के भाग रही है, बेचारी भाग नहीं पाई ज्यादा दूर तक। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, वीडियो नहीं देखना है तुमको अपना, तुम्हारे वीडियो दिखाते हैं, आ जाओ। डर नहीं देखना है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं हमारे घर की, वो सभी जा रही आम के पेड़ की तरफ। और जी हमारी तरफ कोई रसम हो और उस रसम की कोई गीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है जी। तो यही देख रहे होंगे आपको, सभी लोग यहाँ पर गीत गाते हुए जा रही हैं मजे से झूमते हुए। वैसे तो किसी को उतना गीत आता नहीं, लेकिन हमारी बुआ जी लोग जो हैं, मौसी लोग, उनको बहुत अच्छे से आता है। वही लोग अपना गा रही हैं साथ में, सब कोई अपना सुन जी। हाँ, उनको सारी रस्में सारी गीत सभी कुछ मालूम है। और वीडियो में जो है आपको हमारी बहन दिख रही होगी अंशु, ये कह रही थी कि हमें भी वीडियो में लो। नहीं तो मैं बस रिकॉर्ड करती रह जाऊंगी, वीडियो में आऊंगी। ये तो अच्छा है जी, किसी शादी विवाह का मौका है तो जिया को हमारे घर के जो है खेत बगीचे खलिहान ये सब देखने का मौका मिल रहा है। यहाँ हम लोग बचपन में आया करते थे, हमें अच्छे से ध्यान है। जब सिंचाई का टाइम हुआ करता था इधर बोरिंग लगता था और हम लोग बोरिंग में खूब नहाते थे। और ये बत्तख मुझे दिख गया तो हम सोचे इसे भी रिकॉर्ड कर लेते, बहुत सुंदर लग रहा था हमें जी। हमारे पास DSLR रहता तो और भी अच्छी क्वालिटी में इसको लेते। और जी पूरे रास्ते भर जो है हमारी बुआ जी सभी को गाइड करती हुए चल रही थी, क्योंकि रास्ते में गंदगी भरी थी। रस्म की शुरुआत होती है और यहाँ जो हमारी बहन है आम के पेड़ में धागे को बांध करके पेड़ के फेरे लगा रही है। उसके बाद बारी आती है जी एक और काफी ही रोचक रस्म की। इसमें क्या किया जाता है कि जो लड़की होती है जिसकी शादी होनी होती है उसके ऊपर से 5 सुहागिन वह छलांग मारती हैं और साथ में जो है आम के पल्लों से झाड़ रही होती है। और यहाँ पर जो है सभी को छलांग मारने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमारी जो बहन है काफ़ी ज़्यादा लंबी। हमने जो आखिरी ब्लॉग डाला था उसमें एक का कमेंट भी देखा था जिसमें हमारी बहन दिखी थी, वो कह रही थी कि हाय और अब्बा कितनी लंबी है ये। जब फेरे वाली रस्म का समापन होता है उसके बाद शुरुआत होती है एक और रस्म की, जिसमें जो लड़की होती है उसको लेके भागना होता है और वह भागने में रहती है उनकी भाभी। यहाँ देखिए जैसे जिया उनको लेकर के भाग रही है, बेचारी भाग नहीं पाई ज्यादा दूर तक। हाँ, क्योंकि उधर गड्ढा था इस वजह से। अच्छा, नहीं तो भाग जाती बस एक रस्म है। सारी रस्म को करने के बाद सभी लोग घर आ गए और जब घर आए तो रास्ते में दिख गया हमें खाने की यह तैयारी, तो सोचा कि चलिए आप लोगों को भी दिखा दे। और जी किसी भी ओकेजन का जो सबसे जो मेरा फेवरेट पार्ट रहता है वो यही रहता है खाने का चीज। कोई भी ओकेजन आए मस्त मस्त खाने को मिलता है। आपको शादी की एक और मज़ेदार रस्म दिखाते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी एक सुहागिन चाहे वो बुआ हो चाहे वो बहन हो वह लावा भूजती हैं और वह जो लावा होता है वो धान का होता है। फिर लावा को भूजने के बाद उसको बेचा जाता है, फिर वहाँ पर सभी लोग आते हैं और कह सकते हैं कि जी सभी लोग आते हैं एक नेकी देते हैं और वहाँ पर जिसको भी जितना सामर्थ्य होता है, चाहे किसी को अंगूठी हो चाहे किसी को कुछ पैसा हो, सभी अपने सामर्थ्य से देते हैं। और जी इन रस्मों के दौरान जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज ये होती है वह होती है एक प्यारी सी नोकझोंक, मजाक, लोकगीत, बहुत मज़ा आता है जी। फिर बारी आई जी चुमानी की जिया की जी। ये सब रस्म करने का मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहले देखा करते थे अभी हम करते हैं। और ये शादी के बाद पहला शादी था जहाँ पे हम रस्म भी कर रहे थे और जैसे मुझे बताया जा रहा था बस वैसे से कर रहे थे।
इस काली जैकेट में जो आपको बंदा दिख रहा है वो मैं इस वीडियो में शायद ही कहीं मैं नजर आऊं, क्योंकि ये सारी रस्में जो हैं इस ब्लॉग में वो महिलाओं की है। मैं बस ब्लॉग बना रहा हूँ जी। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था जी, सभी लोग हंस रहे थे, खूब मस्ती मजाक कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और हमारी जो दादी है जो अभी आपको दिख रही है नॉर्मल, कुछ देर बाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई कि इनकी पोती की विदाई हो रही है। दादी को भावुक देख करके जो हमारी बहन है पूजा, जिनकी शादी हो रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई। फिर इन दोनों को देख कर सभी भावुक हो गए। फिर जी सभी दादी को शांत करने लगे, कोशिश करने लगे कि दादी किसी तरह से शांत हो जाए, उनका मूड ठीक हो जाए। लेकिन जी दादी की फीलिंग को हम लोग भी समझ सकते हैं। एक साल पहले ही दादाजी का निधन हो गया था, वो स्वर्ग सिधार गए। शायद दादी सोच रही होंगी कि काश आज दादाजी भी होते तो वह भी अपनी पोती की शादी को देख पाते। गांव की शादी में जो है मुझे ज़्यादा ही आनंद आता है। आजकल देख रहे हैं शहरों में जी, हमारी जो संस्कृति है वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, लेकिन गांव में अभी भी हमारी पुरानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अभी भी वहां सारे रीति रिवाज, सारी रस्में, सभी को जिंदा है जी। गांव में जो है सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, गाँव के सभी घरों से लोग आते हैं, और वो भी इन सभी जो रीति रिवाज है, जो रस्में हैं, जो एक फंक्शन चल रहा होता है उसमें उतनी ही रुचि लेते हैं जितने कि घर वाले लेते हैं, जो कि मुझे शहरों में काफ़ी कम दिखाई देता है। यहाँ पर गांव से जितनी भी महिलाएं आई हैं, खासकर जो भी सुहागन हैं, उनके सिर पर जो है सिंदूर लगाया जाता है, और सिंदूर लगाने से पहले तेल लगाया जाता है, जो कि अभी आपने कुछ देर पहले वीडियो में देखा। लावा का कार्यक्रम खत्म हो गया है, और अब यहाँ पर हमारे इधर हीरो भाई साहब को देखिए, बता रहे थे कल के ब्लॉग में क्यों नहीं। क्या लेके जा रहा है? पनीर। वाह वाह, चलो सही है, जा गोबर महा किया रे। रोली रोली, तुम्हारे मैं वीडियो ले रहा हूँ, पोज दो। ओहो शानदार पोज। तो जी यह थी हमारी तरफ की शादी की कुछ रस्में जो अभी आपने इस ब्लॉग में देखा। सामने आप देख रहे होंगे ये टेंट, ये स्टेज, जो कि बारात आने वाली है उसको लेकर सजावट की जा रही है, जिसका वीडियो हम लोग अगले ब्लॉग में डालेंगे। इस ब्लॉग में हमने नहीं डाला क्योंकि यह ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और जी साथ में एक शेयर बिल्कुल कर दिया, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।